आतंकी उस हर जरिए का इस्तेमाल करते हैं जिससे आतंकी उनकी खेती चलती रहे। आईईडी ब्लास्ट ऐसा ही एक हथियार है, इसके लिए कई बार गाड़ियों का इस्तेमाल होता है। आतंकी इन धमाकों के लिए कई बार चोरी की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। आज दिल्ली में पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह को पकड़ा जो गाड़ियों की चोरी करके जम्मू कश्मीर सप्लाई किया करता था। चोरी की गाड़ी को जम्मू कश्मीर ले जाने के लिए गिरोह के सदस्य हवाई जहाज से दिल्ली आते थे। इसी में से एक की मोबाइल ने गहरे राज खोले हैं। इससे शक गहरा गया है कि कार चोरी का कहीं आतंकी कनेक्शन तो नहीं। धमाके में इस्तेमाल होने वाली कार आतंकी कहां से लाते हैं? बड़े पैमाने पर चोरी की कार कश्मीर में किसके पास भेजी जा रही है? चोरी की कारों का कश्मीर कनेक्शन क्या है? ये वीडियो आपको याद होगा, 28 मई 2020 को पुलवामा में इस कार को सुरक्षा बलों ने नष्ट किया था। इसमें 20 किलो से ज्यादा विस्फोटक भरा था। अगर ये वक्त पर पकड़ी नहीं जाती तो भारी नुकसान होने की आशंका थी। अब करीब एक साल बाद एक ऐसा मामला सामने आया है जो ये संकेत दे रहा है कि चोरी की कारें कश्मीर भेजी जाती हैं, और फिर हो सकता है कि इनका आतंकी साजिशों में इस्तेमाल भी होता हो। ये शक तब गहराया जब दिल्ली पुलिस ने जम्मू कश्मीर के सोपोर में रहने वाले शौकत और यूपी के कैराना के रहने वाले जुबैर को 4 चोरी की कारों के साथ दबोच लिया। तलाशी के दौरान पुलिस को पिस्टल और करीब 100 फर्जी नंबर प्लेट्स मिली। लेकिन दिल्ली पुलिस तब चौंकी जब शौकत के मोबाइल से कई आतंकियों की तस्वीरें बरामद हो गई। इसके बाद खुफिया एजेंसियां सतर्क हुई और हरकत में आईं। आनंद फानंद में जम्मू कश्मीर से भी एक दल दिल्ली पहुंचा। दोनों टीमों ने शौकत और जुबैर से घंटों पूछताछ की। कार चोरी का मामला अचानक बड़ी आतंकी साजिश में बदलता दिखा। पुलिस ने कार चोरों के एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जिसके बाद खुफिया एजेंसियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के भी कान खड़े हो गए। दरअसल ये जो 4 गाड़ियां आप देख पा रहे हैं, बेलोनो है, सेंट्रो है, ये 4 गाड़ियां दिल्ली पुलिस ने रिकवर की हैं और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें जम्मू के कश्मीर के सोपोर का रहने वाला शौकत है, जबकि दूसरा जो आरोपी है जुबैर वो उत्तर प्रदेश के कैराना का रहने वाला है। ये जो पूरा गैंग है ये दिल्ली से गाड़ियों को चोरी करने के बाद जम्मू कश्मीर भेजता था।